नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। मैं स्वागत करता हूं आपका हैकिंग बिगिंस के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए हैक करते हैं। वेल दोस्तों, इंटरनेट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं IoT डिवाइसेस के बारे में, ये क्या है और हम इन सभी चीजों का यूज किस तरह से करते हैं और इनका क्या फ्यूचर है। वेल, अगर मैं आपके घर की ही बात करूं तो आपको भी पता है कि आपके पास कितने सारे डिवाइसेस हैं जो बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। एज एन एग्जांपल मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपका राउटर हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, टैबलेट हो सकते हैं, लैपटॉप, वर्क स्टेशंस और बहुत सारी चीजें। आजकल जो टीवीज हैं वो भी स्मार्ट टीवीज हैं, वो भी आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और अगर मैं ज्यादा यहां पर बात करूं तो जो आप कैमरास इंस्टॉल करते हैं, CCTV कैमरास, आजकल वो सारी चीजें जो हैं वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? वेल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नेटवर्क है, इंटरनेट एक नेटवर्क है और थिंग्स जो हैं वो फिजिकल डिवाइसेस हैं। अब ये जो फिजिकल डिवाइसेस हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये आपके व्हीकल्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकते हैं, आपके मोबाइल्स हो सकते हैं, CCTV कैमरास, टेलीविजन्स, सब कुछ ये फिजिकल डिवाइसेस में आते हैं और ये एक तरह से थिंग्स है। और अगर आप ये सारी चीजें सोचिए कि ये जो सारे डिवाइसेस हैं और ये अगर आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर दें तो कैसा होगा? वेल, काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, क्योंकि IoT बेसिकली अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को सेंस और कंट्रोल करने के लिए रिमोटली। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स बताता हूं। एग्जाम्पल ये है कि आप सोचिए कि आप अभी घर से बाहर हैं और आपके कुछ फ्रेंड्स आपके घर के बाहर आ गए हैं और वो बेल रिंग कर रहे हैं, बट आप तो बाहर हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे घर में कोई आया है या नहीं। तो उस टाइम पर अगर कोई भी बेल रिंग करता है तो वेल वो नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाती हैं और जो कैमरास आपके घर पर इंस्टॉल्ड हैं वो बेसिकली आपको उस पर्सन की पिक सेंड कर देता है आपके मोबाइल फोन पर, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर क्या हो सकता है, और ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं, तो होता क्या है कि अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल फोन से, इट मींस इंटरनेट के थ्रू, आप अपने घर के जो डोर्स हैं उसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, या आपके घर के जो अप्लायंसेस हैं वो सेंस करें कि यहाँ पर अभी कोई भी घर पर अवेलेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डोर्स, विंडोज और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अगर चल रहे हैं उसे ऑटोमेटिकली टर्न्ड ऑफ कर दें। और या अगर आप ये चीज़ सोचिए कि आप जा रहे हैं और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट है या आप ही गलती से एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी का, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस और पुलिस को एक ही साथ मैसेज कर दे कि यहां पर आपकी जो लोकेशन है वहां पर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उसी टाइम पर अगर आपके पास एम्बुलेंस आ जाए और पुलिस आ जाए तो देखिए कितना बेहतर होगा। अब देखिए यहां पर दोस्तों अप्लायंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पर आपके घर के अप्लायंसेस हो सकते हैं, कंज्यूमर अप्लायंसेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बेसिकली सेंस कर सकते हैं, इसका जो यूज़ है वो बेसिकली एनर्जी मैनेजमेंट में किया जा सकता है, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग की जा सकती है आपके घर में, बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इससे कंट्रोल की जा सकती हैं, या मेडिकल और हेल्थ केयर के जो डिवाइसेस हैं उनका जो डेटा है ऑटोमेटिकली कहीं स्टोर किया जा सकता है, जहाँ पर आप उस डेटा को काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से रिट्रीव कर पाएंगे। तो पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि IoT डिवाइसेस या IoT बेसिकली है क्या। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इसकी और जानकारी दूंगा। पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है काफी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें आपके साथ शेयर करता रहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।